इधर जांजगीर के पनपुरा पुलिस ने झारखंड निवासी चूरामन साहू के दफन शव को निकलवा लिया है। बलौदा बाजार के भाटापारा में परिजन ने ऑटो ड्राइवर समझकर शव को दफना दिया था। अब इस मामले में डीएनए टेस्ट भी पुलिस द्वारा करवाया जाएगा। बता दें कि इसके लिए पुलिस ने सैंपल भी ले लिए हैं। दरअसल पूरा मामला अगर आपको बताएं तो बिलासपुर के ऑटो ड्राइवर शंकर शास्त्री ने 25 दिसंबर की रात कोरबा जाते वक्त यात्री चूरामन साव की पत्थर पटक कर हत्या कर दी थी और अपना कपड़ा पहना दिया था। 26 दिसंबर को रक्तरंजित शव मिलने के बाद पुलिस ने हत्या का जुर्म दर्ज किया था और परिजन ने शंकर शास्त्री के रूप में शव की पहचान की थी, लेकिन शंकर शास्त्री जिंदा निकल गया और उसी ने झारखंड निवासी यात्री चूरामन साव की हत्या की थी। 29 दिसंबर को आरोपी ऑटो ड्राइवर शंकर शास्त्री को गिरफ्तार किया था और उसे जेल भेज दिया है। एसडीएम की अनुमति लेकर पुलिस ने बलौदाबाजार जिले के भाटापारा में दफन चूरामन साव के शव को बाहर निकलवाया। शव को उसके परिजन को सौंप दिया गया। अब पुलिस द्वारा डीएनए टेस्ट भी करवाया जाएगा। इसके लिए पुलिस ने सैंपल भी ले लिए हैं।